इन बिसिन के दर्शकों का हम इस खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कोरोना के पार्श्वभूमि पर कई चर्चाओं का दौर यहाँ पर चलता रहा, भूमिकाएं बदलती गई, स्थितियां बदलती गई, लेकिन आज की स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। और इस गंभीर विषय पर अगर हम बात करें और ऐसे जानकार से बात करें कि जो पूरा ज्ञान रखते हैं, तो कुछ और ही बात निकल कर सामने आती है। और क्या औचित्य होता है इस बातों का, इसको भी हम जानेंगे। मैं सबसे पहले आज के हमारे मेहमान आलोक मिश्रा जी का, डॉक्टर आलोक मिश्रा जी का हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, बड़ी खुशी हो रही है। और दर्शकों को बताते चले कि कई ऐसे डिबेट्स, कई ऐसे प्रोग्राम्स हमने लिए जहाँ पर डॉक्टर आलोक जी ने, डॉक्टर आलोक जी वरिष्ठ पत्रकार है, समाज से जुड़े हुए हैं, व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए, और उनका जो औरा है या उनकी जो जानकारियाँ हैं बड़ी सटीक रहती है और काफ़ी जानकारी से वो ये हमें भी समय समय पर गाइड करते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम शुरुआत करें तो हम चाहते हैं कि आप अपने जीवनी के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को जरूर बता दें। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं हूं अमरावती से रहने वाला हूं, मैं विदर्भ की माटी का ही हूं जी, इसलिए विदर्भ की माटी से मेरा अलग लगाव रहा है। इंजीनियरिंग के बाद मैंने फिर MBA किया, PhD किया, कई कंपनियों से मैं जुड़ा रहा, लेकिन मेरा जो पैशन था वो एक पत्रकारिता थी जी जी। तो भास्कर के साथ मैं जुड़ा रहा, चौथी दुनिया अखबार के साथ मैं जुड़ा रहा, कैपिटल TV कई न्यूज़ चैनलों के साथ जुड़ा रहा जी जी। और अभी मैं पूना रहता हूँ और हर समय देश भ्रमण पे रहता हूँ, नई नई जानकारियाँ नए नए लोगों से मिलता रहता हूँ, तो कुछ जानकारियाँ जो मिलती है वो अपने दर्शकों तक हम लोग पहुँचाते रहते हैं। देश एक ऐसे संक्रमण से जूझ रहा है, कोरोना से हम एक समय सीमा तय करते चल रहे थे कि अब कोरोना रुक जाएगा, इससे लड़ाई हर एक इंसान लड़ रहा है आज के पूरे हम देश की बात करें, जग की बात करें, और यहाँ की तो हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, क्या भाष्य करेंगे आप? रत्नाकर जी, इस पे दो चीजों पे मैं बोलूंगा कि सरकार की जो जिम्मेदारियां थी वो सरकार ने तो आपको लॉकडाउन करके सरकार ने आपको समझा दिया कि आपको मास्क पहनना है, आपको स्वच्छता रखना है, आपको हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। अब इतना बोलने के बाद में भी अगर वह चीज फॉलो नहीं हो रही है तो केसेस तो बढ़ेंगे, संक्रमण तो बढ़ना ही, संक्रमण बढ़ेगा, बढ़ेंगे। और अब क्या हो रहा है कि टेस्टिंग भी बढ़ गई है जी, तो अब जो हो रहा है टेस्टिंग बढ़ गई है, इसलिए भी हमको आंकड़े, और क्योंकि आप नागपुर से हैं कि नागपुर में मैं आपसे और हमारे बाकी मीडिया के मित्रों से जब बात कर रहा था कि चिंताजनक स्थिति हो, चिंताजनक स्थिति है। और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपने जैसे कहा कि नागरिकों ने भी जो नियम बताए गए उनको फॉलो करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रशासन, सरकार और नागरिक, अगर हम इस त्रिकोण की अगर बात करें तो इस त्रिकोण में अब समन्वय नहीं रहा, और ये समन्वय नहीं रहने से जो स्थिति कहीं ना कहीं हाथों के बाहर जाती हुई आ रही, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले, जिम्मेदारी ये भी तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि हम लोगों की, हिंदुस्तानियों की एक खासियत है जी कि हम राइट्स के बारे में हर समय बात करते हैं जी, करेक्ट, हम कभी अपने ड्यूटीज के बारे में बात नहीं करते जी। जहां हम अपने अधिकारों की बात करते तो हमारे राइट्स ये हैं, हमारा ये है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। तो अगर जिस दिन हम ये समझ लें कि पहले जिम्मेदारियां, ड्यूटीज और फिर राइट्स जी जी, ये अगर हम कर लेना तो बहुत सा इसमें मतलब निकल जाएगा और चीजें समझ में आ जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग बोल के थक गए, अब नहीं करना है सब सोशल डिस्टेंसिंग, आप मत मिलिए गले, आप नमस्ते कर लीजिए। अरे, हमारे पुरानी संस्कृति में रत्नाकर जी सब चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको गले ही मिलना है, आपको हाथ ही मिलाना है, सही बात। तो भाई अब ये चीजें अब आपको सुनना नहीं है, तो आप हर चीज में सरकार और उस पर नहीं जा सकते। अब तो ये है कि अपने आप को हर एक ने संभालना है। और आप तो रतन टाटा का अगर कोट देखे तो मैं तो उसको कोट करना चाहूंगा कि 2020 में अपने आप को संभालना यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इस पे हम लोगों को ध्यान देना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, एक अहम कारण से आप नागपुर में आए हुए हैं और जो आपने हमारे साथ में साझा भी की,
ये दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, डॉक्टर साहब का नागपुर आने का एक अलग विषय भी है और एक अलग कारण भी है, और एक ऐसा कारण है कि जैसे हम कहते हैं कि कस्तूरी मृग जो होता है उसे अपने अंदर में जो एक सुगंध का जो वातावरण होता है उसे नहीं पता, तो हम नागपुर में रहने के बावजूद भी नागपुर की कई ऐसी खूबियाँ हैं जो हमें नहीं मालूम। तो मैं चाहूँगा कि मैं ना बताते हुए डॉक्टर साहब आप ही उस खूबी के बारे में, आप एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में हमारे दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे नागपुर में, नागपुर को संतरा नगरी के नाम से जाना जाता जी। था। मैं भी बचपन से नागपुर के ही संतरे खा रहा हूँ संतरा नगरी, संतरा नगरी। और दूसरा हमने देखा है कि हिंदुस्तान का जो सेंटर पॉइंट है वो नागपुर है। जी बिल्कुल। तो ये दो चीजें तो हम लोगों को पता है, बाकी कई कई चीजें भी हैं, संघ का मुख्यालय है, काफी काफी चीजें हैं, लेकिन ये दो मुद्दे जीरो माइलस्टोन है, वही मैं बोल रहा था कि सेंटर है तो जीरो माइलस्टोन यहाँ है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट का एकमात्र ऑफिस नागपुर में ऐसा है कि जो पूरी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। उस डिपार्टमेंट का नाम है पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में उसे पेसो पेसो कहते पेसो कहते हैं जी। ये डिपार्टमेंट का जो मुख्यालय है वो नागपुर में है। ये अहम जानकारी हम हमारे दर्शकों के साथ में इसको साझा कर रहे हैं। तो अब ये डिपार्टमेंट है क्या जी, तो मैं उसी सिलसिले में आया था कि क्या डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है। तो ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आप यहां से कलकत्ता से लेके आप गुजरात तक ये अगर जाएंगे तो आपको जितना पेट्रोल, डीजल, टैंकर, रिफाइनरी, एक्सप्लोसिव गैस, ये जितना दिखता है इसकी सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट में है और उसका हेडक्वार्टर हमारे नागपुर में बेस्ड। तो ये जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी, कम लोगों को जानकारी क्योंकि उनका पब्लिक पब्लिक कांटेक्ट नहीं, कांटेक्ट पब्लिक वो अपने काम में होते हैं। तो मुझे भी, मैं तो काफी दिनों से इन लोगों को जानता था, लेकिन मेरा ये था कि इनसे मिलना। और अभी जो लोग जो मुख्य काम कर रहे हैं जी, वो ऑक्सीजन वाला जो काम कर रहे हैं जी, कि ये कोरोना के पार्श्वभूमि पर ये एक अहम जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट ने उठा के रखी है। हाँ, कि भाई कोविड पे बात कर रहे हैं और कोविड में अगर बात कर रहे हैं तो वेंटिलेटर आ गया, और वेंटिलेटर आ गया तो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो ये इस डिपार्टमेंट अब एक नए भूमिका में ये लोग आ गए हैं जी। और मैंने कुछ अधिकारियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात की जी, तो बोले हमने मैंने उनसे कहा कि भाई आप आइए, तो बोले नहीं हम लोग मीडिया में नहीं आ सकते, रिस्ट्रिक्शन। तो बोले हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आज हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है कि देश की जनता को ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, और ऑक्सीजन का पूरा देश में, अभी तक के तो हम पेट्रोलियम का और इसका कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब एक हम अहम रोल में आए हैं कि अब जो है ऑक्सीजन रेगुलर सप्लाई पूरे राष्ट्र में हो रहा या नहीं हो रहा है, ये जिम्मेदारी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आया था और उन लोगों से नई भूमिका के बारे में जानना चाह रहा था, और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उनकी एक नई जिम्मेदारी वो लोग वो कर रहे हैं। एक अहम जानकारी भी आपने हमारे साथ में साझा की थी कि ये जो डिपार्टमेंट है काफी 100 साल से भी ज्यादा का इतिहास इसका रहा है। और एक और चीज जो मुझे याद है कि आपने बहुत ही खूबसूरती से उसका विश्लेषण किया था, आपके लेख में भी मैंने उसको पढ़ा, कि आपने जो ये डिपार्टमेंट से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी तुलना आपने की थी कि जैसे कोविड वॉरियर्स है, पुलिस डिपार्टमेंट है और डॉक्टर्स हैं, तो जिनको हम कोविड कोरोना वॉरियर्स, कोविड वॉरियर्स बोलते हैं, तो आपने इनको सेफ्टी वॉरियर्स करके नाम दिया था। तो ये सेफ्टी वॉरियर्स नाम देने के पीछे आपकी क्या भूमिका रही है? सेफ्टी वॉरियर्स तो अभी तक के तो ये जो काम कर रहे थे, जो कार्य कर रहे हैं वो सेफ्टी से रिलेटेड कर रहे हैं जी, कि आपका पेट्रोल का टैंक अगर लीक होता है तो नहीं होना चाहिए, गैस का टैंकर जा रहा है, रिफाइनरीज हैं, इसकी सेफ्टी कैसी होगी, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, LNG आ रहा है, CNG आ रहा है, इसकी सुरक्षा कैसी होगी, क्योंकि 130 करोड़ का देश है जी। और 130 करोड़ का देश जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कोरोना काल में भी लोगों की बहुत सी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो ऐसे इसमें अगर आप एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि अगर हमारा जो घरगुती सिलेंडर है जी, उसको हैंडल किस वे में होगा, वो लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका डिजाइन एस्पेक्ट इस प्रकार से होना चाहिए कि ऊपर से भी गिरेगा, इसको कोई उठा के नहीं ले जाएगा, ये पटका जाएगा तब भी ये सेफ रहना सेफ है। तो ये कंडीशन पे ये लोगों का काम सेफ्टी है। तो लेकिन अभी जो ऑक्सीजन वाला जब आया जी, तो मेरे दिमाग में आया कि ये ऑक्सीजन वाला जो प्रकार का एक राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं,
तो ये सेफ्टी वॉरियर है, सेफ्टी तो काम है ही है, लेकिन ये एक एडिशनल है, इसलिए मैंने उनको कहा है कि ये सेफ्टी वॉरियर है जी, ये हमारे देश के सेफ्टी वॉरियर है और पर्दे के पीछे हैं, बिल्कुल पर्दे पे नहीं आ रहे हैं जी बिल्कुल। देखिए जैसे कि हम कहा कि जैसे कि इस डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं था, तो ये डिपार्टमेंट के लोगों ने भी पर्दे के पीछे रह के किसी ना किसी तरह से जो अपना योगदान दिया है, तो बिल्कुल सटीकता से आपने कहा कि ये सेफ्टी वॉरियर्स का काम इन्होंने किया है और ये पूरे देश का ध्यान रखते हैं। और मैं तो एक कदम अभी आगे जाके ये सब देखने के बाद में मैं एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजने वाला हूँ जी जी, कि आप मन की बात के आपके प्रोग्राम में बोलो या कोई प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोगों को भी, जैसे प्रधानमंत्री जी को तो पता नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि क्या है कि बहुत छोटा, मैंने जब उनसे स्ट्रेंथ पूछी कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है जी, तो बोले साहब 109, तो मैंने बोला मैं यहाँ की बात कर रहा, बोले यहाँ की बात नहीं है, 109 ऑफिसर पूरे देश में है। फिर मेरा दूसरा प्रश्न था कि आपके लाइसेंस ही कितने हैं, तो बोले 4.5 लाख। 4.5 लाख और 100 ऑफिसर, बोले हाँ, आप कैसे काम करते हैं, तो बोले साहब अब छोड़ दीजिए, हमें तो अभी ये काम करना है, इस काम में आगे। तो मैं तो चाहूंगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को पत्र भेजूंगा और चाहूंगा कि आप कहीं ना कहीं इस बात का उल्लेख करें, और सरकार से भी मैं आह्वान करूंगा, चाहे वो स्टेट की सरकारें हों, चाहे वो सेंट्रल की सरकारें हैं, कि ऐसे लोग जो कार्य कर रहे हैं इनको आप अप्रिशिएट करें, इनका मनोबल बढ़ाइए, इनका मोराल बढ़ाइए, और जनता को, जनता के सामने आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ही ये पहला इनिशिएटिव लिया होगा इस चैनल के, वो ये कोशिश तो है ही सर, क्योंकि जब आपसे बात करते हो इस डिपार्टमेंट के बारे में पता चला, तो हमें भी उत्सुकता हुई कि हमारे दर्शकों तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आपका अभ्यास रहा है, तो आपसे बेहतर व्यक्ति इस विषय पर बात करने के लिए कोई दूसरी हो भी नहीं सकती थी। हम फिर अब कोविड की स्थिति पर आते हैं, पैसों के बारे में तो जो बातें बताई गई, ये हमारे नागपुर का गौरव भी है जी, क्योंकि 100 साल पुराना ये संगठन है जो नागपुर में है। इसके पीछे का दृष्टिकोण ये भी है कि पूरे देश में जहाँ पर कहीं भी किसी भी इस चीज की परमिशन चाहिए होती है, तो वो से लोगों को तकलीफ ना हो, इस धारणा से शायद ये नागपुर में है। और कोरोना की स्थिति में भी इसने सेफ्टी वॉरियर्स के रूप में जैसा अच्छा बताया कि बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है। कोरोना की स्थिति से अगर हमें निपटना है तो अब क्या प्रायोरिटीज हम लोगों ने देनी चाहिए एज अ सिटीजन की अगर हम बात करें? हमें 3-4 मुद्दों पे काम करना पड़ेगा। अभी हमको हॉस्पिटल डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, जो कि क्योंकि हमारे हॉस्पिटल अगर हैं तो उस तरीके से तैयार नहीं, इतने हॉस्पिटल भी नहीं है। नागपुर की बात करें तो ये आपकी जो कथन, ये पूरे देश रत्नागर जी, पूरे देश की यही हालत है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर आप बॉम्बे जाइए, पुणे जाइए, बेंगलोर, हर जगह स्थितियाँ यही है और बहुत विकट होती जा रही है स्थिति, ये विकट होती जा रही। तो अब करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि जो क्योंकि मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है और मेरे मदर फादर दोनों डॉक्टर है, तो क्या करना चाहिए? तो ये इसमें 2-3 चीजें हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले निग्लिजेंसी बिल्कुल नहीं कि भाई नहीं तो वायरल होगा, इन्हें अपनी डॉक्टरी बिल्कुल नहीं, सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ ये आपको करना होगा। और कई जो दवाइयां ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्रोसिन हो गया या एंटीबायोटिक जो है, क्योंकि ये जब पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है या ऑक्सीजन पे जाता है तब स्थिति खराब होती है। बिल्कुल, उसके पहले की स्थिति जैसे आपको लगा कि बेटे तो आप अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लो, बिल्कुल मेडिसिन रेगुलर ले लो, छोटी छोटी चीजें हैं, एक्सरसाइज कर लो। देखो बेसिकली अगर आपके विटामिन सी और इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग है तो कुछ नहीं होना है, और कई लोगों को आके निकल गया पता भी नहीं चला। तो ये चीजें हमको करना, और इसमें कोई बहुत ज्यादा वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। आंवला खा सकते हैं आप, नींबू शरबत पी सकते, गर्म पानी पी सकते, मास्क लगा सकते, हाथ रेगुलर आपको धोता है, सैनिटाइजर यूज करना है, सोशल डिस्टेंस, बस ये सब चीजें करिए। और आपको जहां भी लगता है, और एक अहम जानकारी मैं आपको दे दूं जो शायद अभी कहीं पे भी नहीं हो, अगर आपको बुखार आ रहा है, जीभ में आपके टेस्ट नहीं है, सुगंध आप नहीं ले पा रहे हो, तो 90% आप समझ लीजिए। और सबसे पहले अगर आपका, अगर समझो 3-4 दिन का भी डिले होगा, तो इमीडिएटली आप चेस्ट का एक्सरे कराइए। ये बहुत अहम बात है कि अगर चेस्ट का एक्सरे करा, क्योंकि ये जब यहां से निकल गया और एक बार चेस्ट में ये पहुंच गया, तो वो जो इन्फेक्शन है वो बहुत फास्ट फैलता है। तो एक तो नाक, तो आपने मास्क लगा लिया, और छोटी छोटी कुछ आयुर्वेदिक की चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि जैसे अभी
हमारे पुराने जमाने में जब लोग घर से बाहर निकलते तो थोड़ा सा खोबरेल तेल या सरसों का तेल लेके नाक नाक में में डाल, लगा देते तो थे। क्यों करते थे वो? वो वही रहता था कि वो यही मार दिया आपने वायरस को, गर्म पानी पी रहे आपने यहाँ किल कर दिया उसको। बराबर। तो ये चीजें जो है ये आम जनता अगर समझ में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उस पर डर। लेकिन अगर आप अभी भी आपको फ्रिज का ही पानी पीना है, एसी में ही रहना है और ये सब चीजें फॉलो नहीं करना है, अभी कई लोग मुझे, वो तो घर से बाहर नहीं निकले और उनको हो गया, तो आप घर से बाहर नहीं निकले तो आप तो इम्यूनिटी आपकी एकदम कम कर ली कम है कर दी ना। बराबर। अब आपने अपनी इम्यूनिटी कम कर ली। मैं तो उस दिन मजाकिया रियाज में किसी से पूछ रहा था कि मुझे कोई भिखारी नहीं मिला जिसको कोरोना हुआ है, तो भाई उसका इम्यूनिटी ज्यादा होगा। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि ये प्रिकॉशंस हमको लेना है और ये प्रिकॉशंस के साथ में चलना है, कॉन्फिडेंस के साथ में रहना है और जीवन है साहब, अच्छे से जीवन जीना है। और 2020 में अभी ये जो अभी तो बहुत पीक का समय है, तो अभी तो जी बहुत संभल के रहना है बिल्कुल। हमको। WHO की जो जानकारी हमें हाल ही में 2 दिन पहले पता चली, उसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले जो 3 महीने काफ़ी कठिनाई भरे हो सकते हैं, काफ़ी इस तादाद में संख्या बढ़ सकती है, मौतें बढ़ सकती है। तो ये सही समय है कि हम आज ही अपने आप को एक प्रिकॉशंस ले, और जैसा कि आपने साझा बिल्कुल किया बिल्कुल एक्सरे की बात जो है बड़ी अहम कही आपने, कि अगर हमें दो तीन दिन बुखार है, सर्दी नहीं बैठ रही है, या हमारे मुंह का टेस्ट चला गया है, अगर वो कोरोना का वायरस अगर चेस्ट तक जाता है, इन्फेक्शन वहाँ तक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको अटैक करें, क्योंकि हॉस्पिटलों की सिचुएशन जो है वो सही नहीं है और बेड्स मिलना बड़ा मुश्किल है। तो क्यों ना हम इसको पहले ही रोक लें ताकि हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। हालांकि नॉर्मल असिम्प्टोमेटिक अगर आप है तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी उसमें नहीं होगी, आपके जल्दी ठीक होने के आसार भी है, बस पैनिक ना हो। पैनिक ना हो, पैनिक ना हो, और जो चीज़ें बताई गई हैं उसका ध्यान रखें, और कैजुअल अप्रोच जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, और कई जगह से जैसे मैं पूरा मुंबई में बात की, वो यही एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सब वो पड़ोसी के यहाँ हो सकता, मेरे यहाँ नहीं हो सकता। अब वो जो चीज़ है ना, वो ये मान के चले कि आप जब जिससे भी बात कर रहे मिल रहे हो, ये मान के चलिए कि ये, मैं तो आपको पूना का बताऊं कि मैं कम से कम 20 से 25 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया हूं, जी तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बताऊं कि मैं यही समझ के चल रहा था, नहीं भाई ये है हमको संभलना है, बस बस क्योंकि वो तो पेशेंट है, उससे थोड़ी आप कोई अपेक्षा करोगे, वो तो पेशेंट है, आप उसको लेके जा रहे हो, अब बराबर। उसको आप लेके जा रहे हो तो आपको ही ये सब चीजें आपको अपनी करना सुरक्षा खुद खुद बिल्कुल करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात कही। तो ये हमारे साथ में डॉक्टर आलोक मिश्रा थे जिन्होंने हमें इतनी खूबसूरत जानकारी दी, हमारे नागपुर के मेहमान भी हैं, हमेशा हमसे बात करते हैं, ऐसी किसी चर्चा के साथ में फिर दर्शकों के सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आलोक जी, नमस्कार।